Hello and welcome everyone. My name is Sandeep and you're watching Comlog and here is my wife Swati. Hey Swati, say hi. Oh, hi बोलने से पहले ही तुम मेरे बोलने से पहले ही तुमने हाय बोल दिया. That I want to say. Today we are going to Hyderabad, हुसैन सागर. Right. तो हुसैन सागर नहीं, हैदराबाद में जा रहे हैं. किधर किधर घूमेंगे? No idea. Tickets done है. हम लोग रेडी है निकलने के लिए. रेडी है निकलने के लिए. तुम भी जैकेट पहन लो, ठंडी बहुत है. बाय द वे, कल मेरे हब्बी का हैप्पी वाला बर्थडे है जिसके लिए हम गिफ्ट गिफ्ट क्या दे रही हो वो बताओ. गिफ्ट क्या दे रही हो वो बता. मेरे को गिफ्ट बोलेगा तो रोना आता है. इसने मेरी गिफ्ट चुरा ली. दिस वॉज द गिफ्ट. दरअसल अमेजोन से इसने ऑर्डर किया था और मुझे पता भी नहीं था कि ये मुझे मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट है. और वो पार्सल मेरे हाथ में आया और मैंने उसको अनबॉक्स कर दिया. तो अभी इसमें मेरी क्या गलती. तो बर्थडे के लिए जो गिफ्ट लाया था वो फाइनली मैंने बर्थडे से पहले ही उसकी अनबॉक्सिंग करके खुद के लिए सरप्राइज, क्योंकि वायरलेस माइक की मुझे ज़रूरत थी एंड इसके लिए शौक था. राइट, शौक नहीं, गुस्सा आ रहा था. बट इट्स ओके, जाने दो, जिसके लिए था उसी के हाथ में गया. मेरे लिए था ना. दरअसल मैंने बोला था पहले गया. हां, यही डिफरेंस है. एनीवेज, वी आर गेटिंग लेट. हमारा 10 आई एम रेडी, आई एम रेडी. तुम नहीं हो रेडी. दिस इज माय न्यू बैग. चलो, सो वी आर गोइंग टू लाजनगर स्टेशन बाय ऑटो एंड वहां से हम लोग लोकल ट्रेन कैच करने वाले हैं एंड वहां से हम लोग कल्याण जाएंगे एंड देन फिर कल्याण से एक्सप्रेस है. हमारे जनाब को कितनी ठंडी लग रही है. और ठंडी मैंने भी लिया है बट मैंने हाथ में पकड़ा है. आई होप हमारी लोकल तो भी टाइम पे रहे और पहुंचाते हैं हम लोग को 10:30 से पहले. वेल गाइस, वी आर वेरी मच प्रोएक्टिव. हम एक घंटा पहले आ चुके हैं कल्याण स्टेशन पे. हाँ, एक्साइटेड, एक्साइटमेंट में एक घंटा पहले आ चुके हैं और अभी जगह भी नहीं है कहाँ बैठने के लिए. हाँ ना, प्लेटफॉर्म यही पे है, पैर दर्द हो रहा है. यही से यही पे खड़ा रहना पड़ेगा हमको. हाँ, जल्दी ट्रेन आ जाओ, जल्दी जल्दी बुलाओ. हाँ रेल दोस्तों, अभी हमने ट्रेन पकड़ चुका है और स्वाति और मैं एक साथ बैठे है अपर बर्थ पे. ये फर्स्ट फ्लोर पे बैठे, फर्स्ट फ्लोर पे. स्वाति का बेसिकली जगह ये वाला है जहाँ पर बैग सब दिख रहे हैं. बट ये मेरे साथ बैठी है फिलहाल. जब नींद आएगी तब मैं उसको वहां पर नहीं भगाने वाला हूँ. नहीं भगाने वाला हूँ. नीचे वाले को कब नींद आएगी? मैं बोलूंगी ऊपर जाके सो जाऊं, उसको नीचे बैठना. मुझे ऊपर बैठना भी नहीं है, मुझे नीचे बैठना है. और कितना टाइम हो रहा है? हाँ, थोड़ी देर में मेरे हब्बी का बर्थडे है और मेरे बर्थडे के ये इसने ये वाला केक लाया है. बट थैंक यू सो मच. वाला केक मेल्ट हो जाएगा इस केक के लिए जो प्लेटफॉर्म से खरीदा है. केक तो लाया ना मैंने, दैट इज इंपॉर्टेंट. हां, दैट इज इंपॉर्टेंट. हैप्पी बर्थडे टू यू. सो फाइनली मेरा बर्थडे एक्सप्रेस में हो गया. हां, टू यू पेटू, हैप्पी बर्थडे. मुझे कहा पेट है, शुरू में देखे मेरी बॉडी कितनी है. कट्स नहीं है बट है ना, तो क्यों है. झूठा खाना होता है. थैंक यू, थैंक यू बेबा, थैंक यू सो मच. मेल दोस्तों, ये था 3 घंटे का एक्साइटमेंट लेवल. खुद सो गई है और जो हमारा बर्थ था, मतलब जो हमारी सीट्स थी वो किसी और को दी और भी वहाँ पर जिनको सीट दी है वो लोग सोए हैं और खुद भी मैम यहाँ पे सोई है और मैं बैठा हूँ. क्योंकि सीट ऐसी है कि यहाँ पर एक ही जन सो सकता है. RAC है, बेसिकली शेयरिंग होता है. तो जो दो जन यहाँ पे बैठे हुए थे उनको हमारी सीट दे दी जो दो अलग अलग सीट थी और हम अभी एक ही सीट पे दोनों एडजस्ट करके यहाँ पर खुद सोई है एंड में गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तो अभी
फ्रेश हो चुके हैं एंड यही एक्सपीरियंस लेने के लिए, यही एक्सपीरियंस का मतलब है ये जो डोर पे जो हम खड़े हैं, तो मैडम को डोर पे खड़े रहकर बचपन याद कराना था, राइट? हाँ, मेरे डैडी की तो अभी भी यहाँ पर बैठने वाली है और बचपन को याद करने वाली है, राइट? थैंक यू सो मच गिफ्ट दे दिया, मतलब हाउ डू यू फील ना, हो रही है बचपन की यादें ताजे? मजा आ रहा है, हमने ऐसे ऐसे एडवेंचर किए, सीट बुक किया हमने नहीं इसने, और मेरी रात की नींद पूरी खराब कर दी, बुक किया हुआ सीट किसी और को दिया, हम लोग डोर पे बैठे। ये तो विश था ना, ये तो तुम्हारा विश था ना, इसीलिए तो हम ना सीट से कोई और तो है और हम दोनों डोर पे बैठे। नाइस मजा आ रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, सिर्फ रात की नींद थोड़ी खराब हो गई। सो नहीं रहा था, मेरी क्या गलती है, बेचारे को नींद ही नहीं आ रही। क्या चेन्नई एक्सप्रेस की मीनम्मा को बाहर से देख रहे हो? अंदर आओ अंदर। देवा तुमने एक कमाल की चीज देखी क्या हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन पर? अब दिखेगी, देखो तुमको, देखिए, महाराष्ट्र रहो, तेलंगाना रहो, बाबा साहेब अम्बेडकर का डंका हर जगह पे गूंजता है। सो अभी कैसे फील कर रहे हो? आई एम फीलिंग गुड। मेरा तो पहले भी आगे कह रहा है, हैदराबाद में उतरा था बट मेरा जो समय ज्यादा स्पेंड हुआ है वो बेगमपेट में हुआ था। वेल गाइस, अभी हमने चेक इन भी कर लिया है, जिस होटल में हम रुके हैं उस होटल का नाम है राज इंटरनेशनल, जो कि हैदराबाद में है। स्पेस तो अच्छा है अंदर, अरे वाह यहाँ पर बाथटब भी है, शायद क्या है ही, तो बड़े मुझे गंदा दिख रहा है तो इसको तो इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं, एंड बाकी सब ठीक ठाक है। ये पानी तो आ नहीं रहा है, इसके लिए पूछना पड़ेगा। अच्छा कुछ बोला क्या? ठीक है, स्वाति को पता है, उसने कुछ बोला है तो उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके पानी आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब ये जो रूम है ये हमें केवल मात्र 1200 रुपये में पड़ा है, तो वेरी अफोर्डेबल, मेरे ख्याल से मुझे तो अफोर्डेबल लगता है 24 आवर्स के लिए। मुझे भूख लगी है बहुत ज्यादा और मैं इसको कब से बोल रही हूँ कि मुझे भूख, तुमने बोला था कि पानी आएगा करके। फ्रेश अरे देखो डोर पे मत दिखाना, मैं तुम्हारा पति के, अरे एक सेकंड रुको मुझे देखने दो, पानी नहीं आ रहा है, देखने तो दो मुझे, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है और ना यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, कुछ भी था ये, मेरे को कब बताया? कुछ भी था, मुझे नहीं बताया उसने। हाँ ठीक है, मेरे लिए ये मुझे स्विचेस का बताया, गर्म पानी किससे आएगा करके। तुम जाओ यार, खाली मुझे दिखा देती थी, जल्दी करो मुझे भूख लगी है। हैदराबाद में आए और बिरयानी ना खाए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता,
तो हैदराबाद में चिकन 65 बिरयानी हम ट्राई कर रहे हैं। इसकी प्राइस सिर्फ 150 रुपीज़ है। 150 रुपीज़ में एक तो चिकन बिरयानी भी आ गई है, वो भी चिकन 65, और साथ में ग्रेवी भी है एंड ये छाछ है। तो इतने सारे आइटम सिर्फ 150 रुपीज़ में, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। बाकी टेस्ट के मामले में मैं करके बताता हूँ टेस्ट। यार टेस्ट ऑल्सो क्वाइट गुड। ग्रेवी के साथ एक बार ट्राई करता हूँ। ग्रेवी के साथ अच्छा लग रहा है। तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? हाउ इज इट गुड? तुमको बिस्मिल्लाह का ही पसंद है ना? कमी नहीं। अरे कमी नहीं हो रही बहुत तो। थैंक यू मेरी तारीफ मुझे अच्छी नहीं लगती बहुत ज्यादा। तुम आंखें बंद करो ना।